सगाई हुई है तो मैं बोल रही हूँ कि शादी तोड़ दो। काम से नहीं आए हो, लोंडिया पटाने आए हो, बात क्या? हेलो गाइस, मैं फिर आ चुकी हूं आप सबकी पलक वीडियो देते रहे झलक के रहे आप सबकी पलक। तो गाइस आज मैं कोई प्रैंक व्रैंक करने के लिए नहीं आई। एक सेकंड, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना बाल झाड़ना भूल गए। अब कैसे लग रहे? अच्छे लग रहे ना? हाँ, ये कर लो पहले। तो गाइस आज मैं ज़्यादा अच्छी इसलिए दिखना चाहती हूँ क्योंकि कोई कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं कोई प्रैंक नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि आज मैं अपने, जी हाँ, मैं अपने जीजा को पटाने वाली हूँ। वेरी डेंजरस। अब आप सोचोगे कैसे, तो मैं अभी कैसे आपको बता दूँ कि मैं कैसे पटाने वाली हूँ, तो वीडियो देखेंगे तभी ना पता चलेगा। चलिए फिर। A few moments later. तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा हम कैसे लग रहे, कांटा लगा। हाय लगा। आजा राजा बन गए। आप भी सोच रहे हो पागल हूँ, क्या करूँ, पागल आ गए भैया पगला। जय हो प्रभु जी। ऐसा लगा मेरा मजाक। आई आई आई। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनो तो जीजा जी। जीजा जी? हाँ मैं आपके साली हूँ ना। इसको बंद कर दो पहले फोन, खटर 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 किए जा रहे हो, बंद कर दो। जीजा जी मतलब कौन हो तुम? मैं आपके साली हूँ और कौन रहूँगी। मेरी साली? इतनी हॉट साली ही होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बस ठीक है, मेरे को तो पता नहीं तुम मेरी साली हो। सगाई कर लियो तो उड़ रहा हो, जो तू का मालूम ना है ना, हम तो हर साली है, ये बताओ। नहीं उड़ रहा हो? नहीं मेरी साली है, मुझे तो पता होना चाहिए ना कौन सी साली। तो मैं बता तो रही हूँ ना कि हम आपके साली हैं। नहीं, उसकी दो बहनें हैं और उससे अलग तुम कहाँ से हो? अरे मैया मैया, मतलब दो बहन है ठीक है, मैं तीसरी, यानी कि मतलब मेरी दोस्त है जिससे आपकी सगाई हुई है। मतलब क्या काम था? काम मुझे ये था, आपको मेरी बहन में ऐसा क्या दिख गया उस पगली में? कहाँ मैं अच्छी खासी तगड़ी हूँ, कहाँ वो पत्थर सूखी खटाई जैसी है एकदम, क्या दिख गया आपको? वो भी तो अच्छी है, वो मेरे को अच्छी लगती है इसलिए। एक मिनट, आपने मुझे देखा नहीं, अब ध्यान से अच्छे से मेरी आँख में आग डाल के देखो। तो अच्छी हूँ ना मैं? आप भी अच्छी हो, लेकिन रिश्ता तो उनसे हुआ है ना, आपका क्या हुआ है? मतलब एक बात बताओ, रिश्ता हुआ, रिश्ता तो हम तोड़ भी सकते हैं ना पगले। नहीं नहीं, ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं? क्यों, रिश्ते बार बार थोड़े ही बनते हैं ऐसे तोड़। ये बताओ, तुम्हारे घर वाले मेरे घर पे अगर रिश्ता लेके आ जाते तो क्या बुराई हो जाता, जो उस पागल के घर में क्या दहेज वहेज दिए है? अगर दिए हैं तो मैं वो भी क्लेम करूंगी। तुम दहेज लेकर के उस पागल से शादी कर रहे हो ना जबरदस्ती, तो मुझे बताओ मैं हूँ। नहीं मतलब अगर ये चीजें तुम्हारी बहन को पता चलेगी, मतलब बताऊँ फोन करके? क्यों नहीं बता दूँ? क्या ये क्या क्या बोल रही हो ये तुम? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कहने मतलब ये था। नहीं मतलब खुद की बहन का ही रिश्ता तोड़वाने को तैयार? मैं रिश्ता नहीं। अच्छा, तुम्हारा भी तो होगा ना कोई, तुम अपने को किसी और को देख लो। मैं रिश्ता नहीं तोड़वा रही, बस मैं ये चाहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है यार, मेरा ब्रेकअप हुआ आपको पता नहीं है ना, और भी पूरा दुनिया जानती है, मेरा दिल टूटा है। मैं चाहती हूँ बस एक अच्छा सा कोई लड़का पड़ जाए। एक लड़का मिला रहा वैलेंटाइन डे पे, सर वो खिसक लिया। अब मैं सोचते पता है घर की बात है, घर में रह गया मेरे जीजा, ठीक है घर की बात घर में रहेगी, मैं ये चाहती। अभी तो शुरू हुआ है महाभारत, मैं ये चाहती। बहन का तो दिल टूट जाएगा ना। अच्छा एक बात बताओ, आप आईफोन चला रहे हो ठीक, मैं भी वन प्लस चला रही हूँ। कितने का आपका ये फोन? मेरा ये 40,000 का है। 40 का? मेरा ये 60,000 का है, अभी नया नया लिया है ठीक। अब बताओ उसमें क्या है, मैं तो पैसे वाली हूँ ना, तुम मुझसे पटोगे तो मैं ऐसे 1,000 फोन दिला दूंगी। छुट्टी फोन में और लड़की में फर्क होता है यार। क्या तुम्हें क्या फोन है लड़की? सूझ गई तुम्हें ये, लड़की में क्या देख लो, अपने जीजा को नहीं छोड़ रही हो यार तुम। मतलब बात करूं मैं तुम्हारी बहन से? एक बात बताओ, यहाँ क्या अचार डालने आए हो? नहीं मैं तो अपने काम से आया। काम से नहीं आए हो, लोंडिया पटाने आए हो, बात क्या करोगे ये बताओ, बात तो करके देखो। मैं खुद बोलूंगी कि यहाँ पे बंदा जो लड़की के साथ बैठा हो, तो मैं तो तुम्हारी इज्जत बचा रही थी बहन। ये लड़का लॉयल वेल नहीं है तुम्हारे लिए, या तो पट जाओ ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐसे तैसे कर दूंगी। चलो एक काम कर लो, अपनी बहन से बात कर लो। क्या बात कर लो उनसे? यार देखो यार, मैं तुम्हें रखना है या मेरे को रखना है?
यार देखो मेरा सर दर्द हो रहा है यार, ऐसा मत करो आप, इतने क्यूट हो मेरी जीजा जी। रिश्ता हो गया ना, रिश्ता तोड़ना और बनाना इतना आसान थोड़ी होता है। अच्छा एक बात देख लो यार, किसी और को देख लो ना। चाचा यहाँ आओ एक मिनट, आप ऐसा बोल रहे हो ना, ठीक है एक सेकेंड मेरी बात सुनिए, ये मेरे जीजा है ठीक है, तो मैं इनको अभी सगाई हुई है तो मैं बोल रही हूँ कि शादी तोड़ दो ठीक, मुझसे शादी कर लो, तो मैं गलत हूँ क्या? इसलिए गलत हो आप? अरे इसको समझाओ, मैं गलत हूँ? रिश्ता हो गया, ये उसकी चाचा की लड़की बता रही है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो? ये जो है ना, ये मतलब मेरे दोस्त की बीबी बोल रही है, मेरे दोस्त के पति होने वाला पति है, पर मैं सोचती हूँ मुझसे शादी कर ले तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? तो फिर उसका घर बिगड़ जाएगा। तो बिगड़ जाए ना, समझाओ। नहीं इसको कोई और मिल जाएगा। आप ऐसा है ना, रहन दो, आप भी जो है ना, मतलब लग रहा है कि पैसा खिला गए इनको। नहीं पैसा, मैं इनको जानते नहीं हूँ यार, तुमने बुलाया है, मैं कैसे पैसा खिलाऊंगा इनको? मैं मुझे क्या पता भैया कि कौन है कौन नहीं है, ये मेरी तरफ से बोल ही नहीं रहे। तो तुमने बुलाया, मैंने बुलाया इनको, मैं आराम से बैठा था यहाँ पे। तुम्हें करना है तो करो। नहीं मैं क्यों करूँगा, नहीं करना है। अभी कॉल लगाओ अपने फ्रेंड को, उनसे भी बात कर लेंगे। कर लो कर लो, नहीं हो तो उनसे ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, नमस्ते। यार देखो जरा, देखो कितना अच्छा बोल रहा है वो। यार देखो मैं पता है, मैं बहुत दुखी हूँ यार, तुम क्यों नहीं सोच रहे मेरे बारे में? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं ना आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अच्छा प्यार से दे दोगे तो ले लूंगी, वरना नहीं मांगूंगी। ठीक अच्छा चलो ठीक है फिर। मतलब थोड़ा सा अगर मैं हाँ बोलूँ तो? हाँ तो क्या मतलब, तुम बन जाओ मेरी वो जो गर्लफ्रेंड? पहले तो गर्लफ्रेंड ही बनोगी ना? पर मेरा मूड चेंज हो गया। आई एम सॉरी बाबू, मुझे नहीं पढ़ना। मतलब ये क्या बात हुई, मूड चेंज हुआ? कैसा मूड है ये, आओ मतलब किसी को तो अब मेरा मतलब, दिल क्या पता। तो अब आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे ना, इसलिए अब मेरा मूड चेंज हो गया। मैं तो ऐसे मजाक करती रहती हूँ, मैंने सोचा पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा। जब तुम पहली बार तुमने बोला मुझे रिश्ता तोड़ना ही नहीं है, तो अचानक अच्छा मतलब मेरा फोन देख करके तुम मुझे हाँ बोल रहे है ना, देखा? अरे रहन दो भैया, मुझे नहीं। मुझे ऐसे लड़के चाहिए नहीं ठीक है ना, जो रिक्वेस्ट करे तो पटे, रहने दो। साफ साफ बोलो ना, तुम्हारा फोन दे करके मैं आया हूँ, बात कर रहे हो। पहली चीज तो ये, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में ठीक है, आप जाओ जहाँ जाना है। जहाँ जाके मरवाएंगे ना वहाँ जाके मरवाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको पटाना है दिल का क्या, तो दिल को तोड़ डालो, मैं क्या करूं? मतलब अभी तो तुम कह रही थी कि मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा दिल टूट रहा है, इसमें क्या करूं फिर मैं? कब मैंने बोला बताना जरा। अभी तुम आई, तुमने बोला कि आप मुझे अच्छे लगते हो और मेरा दिल कोई। चलो ठीक है, अब इतना जिद कर रहे हो तो पट जाती हूँ, बस इतना जिद कर रहे हो तो फिर ठीक है। तो फिर कुछ रोमांटिक बात करो ना। रोमांटिक अभी ऐसा रोमांटिक एकदम से, मतलब अभी पटी अभी एकदम से रोमांटिक हो जाऊं? भी बैठो आराम से बात करें कुछ। तो मुझे क्या कह के बुलाओगे तो बताओ। क्या कह के बुलाऊं? पड़ेगा क्या कह के बुलाऊं, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो सोचो ना क्या कह के बुलाओगे। नहीं मतलब क्या, ये जानू आना तो ये थोड़ा पुराना हो गया ना। जानू अच्छा सोचना पड़ेगा। तो अच्छा सोच के बताओ ना फटाफट। मुझे ना गिलहरी कह के बुलाना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है मैं गिलहरी जैसी। क्या गिलहरी? हाँ तो ठीक है, तुम्हें ये अच्छा लगता है तो मैं गिलहरी जैसी हॉट नहीं, एकदम दुबली पतली सी। ठीक है आज से तुम गिलहरी। ठीक है मतलब मेरी गिलहरी या गिलहरी? मैं आपकी गिलहरी। ठीक है गिलहरी। ठीक है तो मैं चलो फिर। हाँ चलो बैठना चाहो, कॉफी वॉफी चलेंगे या मतलब मुझे थोड़ा मीटिंग थी किसी से मिलना है, आप जा सकते। एक बात बता, फोन वोन पे बात कर, नंबर नंबर चाहिए मेरा। शकल देखा है अपना, मैं मजाक कर रही थी ठीक है, प्रैंक कर रही थी। भैया देख लो, पति होने वाले किसी और के हैं और मेरा नंबर मांग त्रास रहो, देख लो जरा। नमस्ते। नंबर ही तो मांगा है, साली होगी तो नमस्ते काहे की साली, अरे हटा दो, पकड़े गए तो साली, देख रहे हो ये होते हैं लड़के, बात कर रहे हैं सब एक जैसे ही होते हैं क्या? oh, no. हाँ दी तो नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मैं प्रैंक कर रही थी, कैमरा लगा देख लो। यार हटाओ यार कैमरा, हटाओ। क्यों हटाओ? सुनो क्यों, नहीं नहीं रहने दो, मुझे छेड़ने छूड़ने की कोशिश मत करना प्लीज।